एक बार एक जहाज में कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, जिसमें दो अच्छे दोस्त रामू और श्याम भी थे। रामू और श्याम बहुत अच्छे दोस्त थे और वो अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले रहे थे। दोनों अपने कारोबार से घर जा रहे थे कि तभी उनकी जहाज तूफान में फंस गई और ज्वालामुखी से जा टकराई, जिस वजह से उनके जहाज में आग लग गया। आग! उस जहाज में कई लोग मारे गए, लेकिन रामू और श्याम ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और एक टापू में जा पहुंचे। टापू बहुत खतरनाक था। रामू और श्याम दोनों को लगा कि अब सिर्फ भगवान ही उन्हें बचा सकता है। उन दोनों ने भगवान से प्रार्थना करने का फैसला किया। रामू और श्याम देखना चाहते थे कि किसकी प्रार्थना अधिक शक्तिशाली है। रामू टापू के पूरब की ओर और श्याम टापू के पश्चिम की ओर जाने लगे। दोनों दोस्त टापू की अलग अलग दिशा में प्रार्थना करने चले गए, रामू पूरब की ओर और श्याम पश्चिम की ओर। रामू ने भगवान से भोजन के लिए प्रार्थना की ताकि वह जीवित रह सके। तभी अचानक उसे समुद्र में कुछ तैरते हुए सब्जी और फल मिल गए, जिसे वह खाकर जीवित रहा। रामू को उस टापू में बहुत अकेला लगता था, इसलिए उसने भगवान से एक सुंदर साथी की प्रार्थना की, जिसे वह अपना पत्नी बना सके। कुछ समय पश्चात रामू ने देखा एक टूटा हुआ जहाज टापू की ओर आ रहा है, जिसमें सिर्फ एक लड़की, अकेली लड़की जीवित है, जो दिखने में बहुत सुंदर है। रामू ने उससे शादी कर ली। एक महीने बाद रामू ने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे घर जाने के लिए एक जहाज भेजे। तभी अचानक एक बड़ा सा जहाज उसे नजर आया। रामू और उसकी पत्नी उस जहाज को देखकर बहुत खुश हुए और वो दोनों उस जहाज में चढ़ने वाले ही थे कि अचानक रामू और उसकी पत्नी को एक दिव्य आवाज सुनाई दी। क्या तुम अपने सच्चे साथी को छोड़कर चले जाओगे? रामू डर गया, क्योंकि उसे सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, मेरा सच्चा साथी मेरे साथ है। आप कौन हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? दिव्य आवाज ने कहा, मैं वह हूँ जिससे तुम प्रार्थना कर रहे थे, जिससे तुमने जीवन को बचाने के लिए अनुरोध किया, जीवित रहने के लिए खाना और एक पत्नी की अनुरोध किया। रामू ने भगवान को धन्यवाद दिया। तब रामू ने श्याम को याद किया। रामू श्याम को भूल चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। रामू ने भगवान से श्याम के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था, मैं केवल श्याम की प्रार्थना को पूरा कर रहा था। उसने केवल एक ही चीज मांगी कि कृपया रामू के सभी प्रार्थना को पूरा करे, यही उसकी एकमात्र प्रार्थना थी। रामू रोने लगा और दौड़कर टापू की दूसरी ओर अपने दोस्त को खोजने चला गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने महसूस किया कि वह अपने प्यारे दोस्त के बारे में पूरी तरह भूल गया था और अपने जीवन की खुशी खुशी आनंद लेने में व्यस्त था, परंतु श्याम उसे कहीं नहीं मिला। तो राम ने भगवान से पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? भगवान ने उत्तर दिया, मैं उसे अपने साथ ले गया,
इतने सुनहरे दिल वाला आदमी मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे सभी प्रार्थनाओं को पूरा करूंगा क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने का वादा किया था। इसे सुनकर राम पूरी तरह टूट गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी दोस्त की प्रार्थना उससे ज्यादा शक्तिशाली क्यों थी, क्योंकि श्याम की प्रार्थना पूरी तरह निस्वार्थ थी।